हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो मैं, जैसे कि हम लोग लगातार आपको एक नए से नया वीडियो भेज रहे हैं, तो उसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि इस समय के दौर में हम आपको एक छोटे छोटे असाइनमेंट बता रहे हैं जो आप बड़ी अच्छे से मन से कर रहे हैं। लगातार मुझे ईमेल अकाउंट में आ रहे हैं और मैं उनको मैसेज भी भेज रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं अब आपको ब्लैक कलर से कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाएगा लेकिन आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक कलर, ब्लैक वाटर कलर, ब्लैक पोस्टर कलर, कुछ भी ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया कि हम आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग सिखा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर से, तो इसमें मैंने बोला था कि आपसे इसमें ब्लैक स्केच पेन यूज कर, वो ब्लैक स्केच पेन परमानेंट मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक पोस्टर कलर, वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पेंसिल से ड्राइंग करिए। और ये बेसिक होता है कि हम बेसिक में पहले ओवल से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेंसिल से बनाई है, इसके बाद मैं इसमें मार्कर कर रहा हूं। मार्कर मोटा था इसके लिए मैंने पेन से कर लिया है। आप पेन भी यूज कर सकते हैं, ना बोला था, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप पेन ही यूज कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप का ही बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको जो है किसी भी तरीके की बना सकते हैं, बस अच्छा लगना चाहिए। देखिए ये मैंने बनाया इससे, उसके बाद मैं अब इसमें कलर करूंगा। अब इसके बाद मैं इसमें कलर करूंगा और सिर्फ ब्लैक कलर यूज करना है मुझे। तो मैं बहुत लाइट कलर करना है, मुझे बहुत लाइट कलर करना है इसमें। जैसे मैंने बताया था पहले, आप लाइट कलर करेंगे। ये मेरा ब्लैक कलर है और ब्लैक वाटर कलर है, तो देखो मैंने किस तरह बहुत लाइट सा एकदम उसे टच करना है और उसमें पानी मिलाओ। देखो, और ये मैंने जैसे पहले असाइनमेंट दिया आपको पेंसिल से, जिन लोगों ने पेंसिल से अच्छे से स्टडी की होगी उनको पता होगा कि कहां पर लाइट कहां पर डार्क करना, ये याद रखना।
तुमने बताया था एक एक स्टेप आर्ट में, एक एक स्टेप जो हम लेके चलते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक भी आप आर्ट का स्टेप भूल जाएंगे तो फिर आगे आने वाली चीजें वो और ज्यादा हार्ड लगेंगी आपको। और अगर जिन लोगों ने मेरा जो भी वीडियो देखते रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, एक वो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, तो उनको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि लगे हुए हैं वो। तो ये इस तरीके से आप सिर्फ देखो मैंने कितना लाइट कलर लिया था और उसी से पूरा बनाने की पूरी कोशिश की है। बहुत हल्का सा आपको इसमें पूरे आपको टोन दिखाई देंगे। देखो मैंने फर्स्ट किया, फिर सेकंड किया, और फिर मैं देखो अब थर्ड कर रहा हूँ। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में सिर्फ एक टचिंग होती है, सिर्फ टचिंग। बस और ये साइड दे दिया थोड़ा। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन वाटर कलर। मैंने वाटर कलर में किया लेकिन आप पोस्टर कलर और किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यू हैव टू चूज ओनली ब्लैक 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 कलर। ओके तो ये बनाए आप, और बनाने के बाद काइंडली सेंड मी इन माई जीमेल आईडी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।